नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार। आप सभी का स्वागत है रोजाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन को देखा था, आज ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 4 आ चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, वो हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा प्रश्न छठा प्रश्न क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि माना ए बराबर, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बराबर 7 × 11 × 13 × 13। ठीक है, अब इसमें देखिए 13 हमारा दो बार है, तो हम 13 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 7 × 11 × 1। ठीक है, तो देखिए 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 × 1, तो यानी कि 13 × 78। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, कि अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, इसलिए हम लोग इस नंबर को क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको माना, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार ठीक है, माना बी बराबर क्या है हमारा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5। अब हमारा रिपीट टर्म जो क्या है वो 5 है। ठीक है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को अगर कॉमन ले लेते तो हमारा क्या बचता है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारा क्या आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1008 + 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1009। तथा यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी जो है अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो लिखेंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी आवाज गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह क्या है। तो आइए दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का जो चक्कर है उसको सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों ही स्थान और
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब वे दोनों जो हैं एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है, आइए इसको कितनी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगती है? 18 मिनट लगती है। तो लिखेंगे हम एक चक्कर में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लेती है वो, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और तथा रवि को क्या लग कितने मिनट लगते हैं? तथा रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगती है? 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो वे दोनों कब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका? 18 और 12 का, जो भी हमारा जो टाइम दिया गया है उन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 × 3, ठीक है। और 12 का जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो HCF जो हमारा निकल कर आ जाएगी। अब देखिए इन जो दोनों टर्म्स में कौन कौन सा नंबर हमें बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये 2 2 मिल रही है और ये 3 3 मिल रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि जो हमारा HCF निकल कर आ गया वो है 6, ठीक है। तो हम LCM किस प्रकार निकालते हैं, LCM बराबर क्या होगा, 18 × 12 / 6। इसको काटेंगे क्या होगा, 6 × 12, यानी कि 18 × 36, ठीक है। तो वे जो दोनों हैं वो 36 मिनट में प्रारंभिक स्थान पर, 36 मिनट बाद वो एक दोनों एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय।